हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जी एस पाई दिवाकर। यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। ये हमारे इस की हम लोग बात करें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो आपका फॉर्म भरने की तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इसमें क्या है कि उनका जो फॉर्म भरने का डेट है वो एक्सटेंड किया गया है 19 अक्टूबर को, यानी कि दोबारा से वो ओपन किया गया है। और इसमें देखिए, इसमें मेंशन किया गया है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल पोस्ट फॉर ESSC 2023 हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 19 अक्टूबर 2023। इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म दैट कैंडिडेट हैविंग 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय NCT आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो दोबारा से चूँकि ये ओपन हुआ, जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, या मान लीजिए कि आपका BEd का एग्ज़ाम चल रहा हो और आपके रिज़ल्ट ना आए हों, तो अभी आपके रिज़ल्ट अगर आ गए हों तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। और डेट आपका 19 अक्टूबर तक है। इसमें देखिए नीचे मेंशन किया गया, आप TGT के लिए भी, हॉस्टल वार्डन, पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, पोस्ट ऑफ PGT एंड नॉन टीचिंग के लिए भी आप एलिजिबल हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है आपको, आप गूगल पे जाके डायरेक्ट आप टाइप करिए EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे ये न्यूज़ फ्लैश में आपका पूरा चल रहा है। जिस भी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है यहाँ पर क्लिक करिए और जाके वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और एक चीज़ आपसे बात कर लें कि बहुत अच्छी खासी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपके लिए, जिन लोगों ने अभी जस्ट BEd कंप्लीट किया हो, ठीक है, जिनका अभी रिजल्ट आया हो, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी एलिजिबिलिटी है यहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिएगा एक बार। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जो इसका पेपर होगा वो किस पैटर्न पे होगा, तो जैसे आपने नवोदय की जो पेपर होगा, ठीक है, नवोदय का आपने नाम तो सुना ही होगा, NBS का जो सेम पैटर्न है वही पैटर्न आपका EMRS यानी एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल का भी रहेगा। और इसका जो आपका पूरा प्रश्न पूछा जाएगा वो कहाँ से पूछा जाएगा, NCERT से, कहाँ से, NCERT से। यहाँ तक कि आपके जो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन होंगे जो 80 रहेंगे, ये 80 के 80, PGT की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 80 के 80 कहाँ से आएंगे, NCERT से पूछे जाएंगे। और यदि आप अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कर लीजिए। इसके अलावा इसके लिए हम लोगों ने बैचेज भी चालू कर रखे हैं, जो पूरा NCERT। अब देखिए, NCERT जो मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, जो शॉर्ट नोट्स टाइप का करता है कि 6 से 12 तक NCERT आप यहाँ से पढ़ें, ठीक, तो वहाँ से लिए, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ें आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल की हम लोग बात करें, या ANBS, KVS या आपके सिविल सर्विसेज की भी बात करें, तो यहाँ पे जो NCERT से पूछा जाता है, तो NCERT की जो मेन किताब है उनकी ऑफिशियल पब्लिकेशन, ठीक है, उसको आप लीजिए, उस किताब को लीजिए और उस नोटबुक को आप लेके उसको पढ़िए। और हम लोग जो बैच चला रहे हैं आपके लिए, सेम नोटबुक जो आपका ऑफिशियल साइट से आपको मिलेगी, उसी को हम लोग यहाँ पे स्टडी कराएंगे, कहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे गए वहाँ पे हाईलाइट भी करते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न बन सकते हैं उसको भी बताते चलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलेगा। पहले हम क्या करेंगे, आपको डिटेल में पढ़ा देंगे, फिर उसका शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छे मौके हैं, और इसको आप लोग ज़रूर फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और जो ऐप है हमारा GS by Diwakar करके है, ठीक है, ऐप कौन सा है, GS by Diwakar, कहाँ मिल जाएगा आपको, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको जाके वहाँ से डाउनलोड करिए। और वहाँ पे स्टोर टैब में आप देखिएगा, वहाँ ढेर सारे कोर्सेज हैं, केवल आप NCERT पढ़ना चाहते हैं, ओनली NCERT के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके वीडियो कोर्सेज हैं उसमें शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा। TGT, PGT, NERJRF, असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज के साथ जो है कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है। UGC NET दिसंबर 2023 के लिए भी बहुत ही अच्छे कोर्सेज यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और वहाँ भी आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा 8318011238 पर। तो ये पूरा जो सूचनाएँ थी, जो न्यूज़ थे, आपको कैसे लगे, यदि आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा।
क्योंकि हम लोग आगे ले आ रहे हैं जून 2030 का पेपर का सॉल्व। अभी एक पेपर एक सेट आपका सॉल्व हुआ था जिसमें 25 क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट आपका 25 से लेकर 50 सॉल्व होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।